श्याम साहब, सर आपसे, सर पीआईए और स्टील मिल्स के हवाले से मुझे क्विकली बता दें कि ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट कह रही है कि हम मुलाजमीन को नहीं निकालेंगे, इनको इनकॉर्पोरेट कहाँ करेंगे? देखिए, बड़ा मुश्किल काम है, मुझे नहीं समझ आती है। मेरा अपना ख्याल है कि लीडरशिप आगे चल के तकलीफ़ें उठाएगी। इसकी वजह है कि मेरे नहीं ख्याल कि इनके पास कोई प्रॉपर टीम है, बड़े कम लोग हैं और ये काम आम आदमी करने नहीं कर सकता। अभी आप देखें ना, स्टील मिल खसारों पे जा रही है, पीआईए, रेलवे, 60 के करीब अदारे हैं सना, जो इस वक्त कहा जा रहा है कि ओवर 1 ट्रिलियन रुपीज़ का उनकी हेमरेजिंग ब्लीडिंग हो रही है हर माह। 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ का आपका ये हो गया, अपना सर्कुलर डेट हो गया है। 650 अरब रुपये आपको फौरी तौर पे चाहिए छोटे छोटे मामला चलाने के लिए। तो ये जो है ना, ये सफ़ेद आती हैं, इनको मुझे समझ नहीं आती कि $335 मिलियन मिल रहे थे स्टील मिल को, तो आप भेज देते। इफ्तिखार चौधरी साहब ने बड़ा जुल्म किया इस कौम के ऊपर, क्योंकि यहाँ ये तय हो गया है। जो लोग कहते हैं ना रिवाइव कर देंगे, मैं आपको कह सकता हूँ, रऊफ साहब ज़्यादा जानते हैं, रिवाइवल नहीं होगा। ये वही लोग हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर जो है ना, जब से ये पुंडा साहब के बारे में कहा जाता है, नेशनलाइजेशन हुई थी ना, उसके बाद से मामला इतने ख़राब हुए हैं कि आज तक ठीक नहीं हुए। अभी आप देखने जितने लोग लगाए जाते हैं, अब मुझे बताएं, सेक्टरी जो लगाए जाते हैं, फाइनेंस सेक्टरी को ब्यूरोक्रेट को लगा देते हैं, वो इसकी एक्सपर्टीज़ क्या है? रेलवे का सेक्टरी जिसको कुछ पता ही नहीं है, एक आम आदमी को लगा देंगे। यहाँ पे अब देखें ना, पिछली हुकूमत में तय हुआ था नवाज साहब की हुकूमत में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज होंगे, टॉप लेवल पे बंदे जो है ना पीआईए के इस तरह बाकी जगहों पे लगाए जाएंगे। आप देख लें, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी रही है, जहाँ पे इनको लगाना चाहिए था कहते हैं हमारी मर्जी का बंदा है तो हम लगाएंगे। हमारी स्टाफिंग भी तो हुई है ना, इन्होंने पीआईए को भी कंसीडर आप देखें, ओवर स्टाफिंग तो सना पीपल्स पार्टी के 2 अदवार और पीएमएलएन के नून के 2 अदवार, इसमें हुई इतनी ओवर स्टाफिंग। अब ये पॉलिटिकल मसला बन गया, इनको निकाल नहीं सकते। देखें, रिवाइव करने की ज़रूरत है, लेकिन इसका सबसे अच्छा मैं पर्सनली समझता हूँ कि इनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। बड़े अच्छे लोग हैं जो उसको चला सकते हैं, स्टील मिल को चलाने वाले चला भी सकते हैं, लेकिन एज वी स्पीक कोई इसको नहीं चला सकता। कोई ये लोग जो इस वक्त लोग बैठे हैं, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो पॉलिटिकल विल नहीं है। फिर ये गवर्नमेंट है, उनसे गलत काम करवाती हैं, आए दिन बंदे भर्ती पर करवाएंगे, कोई भी बंदा टॉप पर बिठा देंगे, शायद ही कोई ऐसा हो जो फ्री एजेंट हो, जो कि जी मैं आपकी बात नहीं मानता, नहीं मानेगा उसको। कुछ जगहों के ऊपर थोड़ा सख्त डिसीजन सही, लेकिन पीटीआई को करना पड़ेगा। अगर मेरा ख्याल है रिवाइवल के लिए थोड़ा बहुत रिवाइव हो सकती है किसी हद तक, लेकिन अल्टीमेटली इनका हल यही है कि आप इनकी नजकारी करें।